आज दिनांक 6 जून 2022 को उड़ान आईएएस रांची में जेपीएससी परीक्षा की टॉपर सावित्री कुमारी को सम्मानित किया गया। साथ ही सावित्री कुमारी ने संस्थान में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सफलता के टिप्स प्रदान करते हुए इस परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया। सावित्री कुमारी अपनी तैयारी के दौरान उड़ान आईएएस से जुड़ी रही हैं तथा परीक्षा के विभिन्न चरणों में संस्थान के विशेषज्ञ शिक्षकों को मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में सावित्री के पिता श्री राजेश्वर प्रसाद नायक जी, संस्थान के निर्देशक अरुण अग्रवाल, शिक्षक शंभु शरण, नीरज कुमार, अमित शाहदेव आदि उपस्थित थे। बोकारो का मैं बोकारो जिला के जो इकलौता नवोदय तीनों घाट में ही है, तो वहीं पे मैं पढ़ाई की। फिर वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद फिर वहाँ के टीचर लोग हमेशा सपोर्ट किए और वहाँ के प्रिंसिपल मुझे एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वेमेन के बारे में बताया जो बांग्लादेश में स्थित है। तो एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वेमेन, एशियन वो पूरा एशिया का यूनिवर्सिटी, लगभग 19 कंट्रीज से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वेमेन की स्पेसिफिक है तो केवल वेमेन आती है। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे देश के लड़कियों के साथ रहते थे, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पूरे एशिया के, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब देश के लोगों को आते थे। और फिर वहाँ पे मुझे पता चला उस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैं एंट्रेंस दिया, आसाम में एंट्रेंस गई थी देने के लिए और थैंकफुली हो गया एंट्रेंस में विथ फुल स्कॉलरशिप। तो बस चली गई वहाँ पे, बस का फॉलो करके गई। और फिर वहाँ पे फिर बहुत सारे रास्ते खुल गए थे। फिर वहाँ पे जाने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी। मेरा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी बहुत जगहों में रहा है, जैसे मैं यूएस गई थी स्टारबक्स में 2 महीने के लिए, सिएटल में उसके हेडक्वार्टर में इंटर्नशिप की, फिर हांगकॉन्ग में था इंटर्नशिप, मलेशिया में था एक कॉन्फ्रेंस। तो मतलब बहुत सारे जगहों में जाते जाते फिर मतलब पता चल गया डिफरेंट कि क्या करना है। जब बैचलर्स कम्प्लीट हुआ तो बैचलर्स कम्प्लीट करने के बाद वहीं पे उन्होंने बोला कि टीचिंग फेलो के रूप में रख लिए कि जॉब करो यहाँ पे। तो मैं जॉब में भी थी वहाँ पे 1 साल के लिए। जॉब करने के बाद वहीं के सर ने बताया कि सावित्री तुम 3 यूनिवर्सिटी अप्लाई करो, एक बहुत टॉप ग्रेड का, एक मीडियम ग्रेड का और एक लो लेवल का। तो टॉप ग्रेड का यूनिवर्सिटी का अप्लीकेशन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, सबसे पहले उसी में अप्लाई कर दी जो ऑक्सफोर्ड था और थैंकफुली ऑक्सफोर्ड हो गया। मैं और कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं की थी क्योंकि ऑक्सफोर्ड में तक रिजल्ट आ गया था, तो ऑक्सफोर्ड में हो गया थैंकफुली। अगेन टीचर्स लोग ने बहुत साथ दिया क्योंकि वो रिकमेंडेशन लेटर लिखना पड़ता है जो टीचर्स लोग लिखते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से रिकमेंडेशन लेटर लिखा। फिर मेरा बैकग्राउंड भी मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड भी सर लोगों की अपेक्षा मतलब सर लोगों के कारण बहुत मजबूत हो गया था वहाँ तक। तो ऑक्सफोर्ड में सलेक्शन हो गया स्कॉलरशिप। एक मास्टर्स प्रोग्राम है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल चेंज एंड मैनेजमेंट, तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज है और विथ मैनेजमेंट कि कैसे आप मैनेज करेंगे इन्वायरमेंटल चेंज को, जो भी इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है उसको मैनेज कैसे, मोस्टली गवर्नेंस इश्यू में था। तो उसको गवर्नेंस को हम लोग सीखने के लिए हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट को विजिट किए थे ब्रसल्स में, पूरी क्लास का मतलब फील्ड ट्रिप बहुत होते थे वहाँ पे, तो हम लोग पूरे यूरोप को ही विजिट किए थे उस केस में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।